जय हिंद। मैं राशि कपूर, INN टुडे में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे आज की सुपर फास्ट टॉप 9 खबरों के साथ। दिल्ली की एक अदालत ने 20 साल पुराने रक्षा सौदा भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली और उनके दो अन्य सहयोगियों को 4 साल की कैद की सजा सुनाई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आग्रह किया है कि वे कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के लिए गिरफ्तार डॉक्टर कफील खान को न्याय दिलवाने का प्रयास करें। अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियों को कोरोना का संकट प्रभावित कर रहा है। गुरुवार को राम जन्मभूमि के पुजारी प्रदीप दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मणिपुर में 4 असम राइफल्स यूनिट की एक टीम पर घात लगातार हमला किया गया। इस हमले में टीम के 3 जवान शहीद हुए जबकि 4 जवान बुरी तरह घायल हैं। कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं। कभी चीन की सीमा विवाद तो कभी बेरोजगारी, राहुल लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। राहुल ने गुरुवार को एक बार फिर ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। जयराम सरकार में 3 नए मंत्रियों ने गुरुवार को राजभवन में एक सादे कार्यक्रम में मंत्री पद पर की शपथ ग्रहण। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने तीनों को मंत्री पद पर की शपथ दिलाई। सबसे पहले पावटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी ने शपथ ग्रहण की, उसके बाद नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया और घुमारवी से विधायक राजेंद्र गर्ग को मंत्री पद पर की शपथ दिलाई गयी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप में निर्दोष लोगों की बेरहमी से पिटाई पर भड़के भाजपा सदर विधायक पूरी रात उन्नाव सदर कोतावली में धरने पर बैठे रहे। बुधवार देर रात करीब 1:30 बजे कोतावली पहुंचे सदर विधायक पंकज गुप्ता ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया। निजी क्षेत्र के यस बैंक ने 2,890 करोड़ रुपए का बकाया कर्ज नहीं चुकाने की वजह से अनिल अंबानी समूह के उपनगर सांता क्रूज के मुख्यालय को अपने कब्जे में ले लिया है। मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक महिला ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान खुद को आग लगाकर आत्मदाह का प्रयास किया। बताया गया है कि महिला 20% झुलस गई, उसे इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक देखते रहिए INN टुडे। जय हिंद। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब टू अवर चैनल INN टुडे एंड प्रेस द बेल आइकन।